कि राज्य की आखिर हमारी पहचान क्या है, सारे लोगों का अपना पहचान है, सारे राज्यों की अपनी पहचान है, तो राज्य का हमारा झारखंड का क्या पहचान है? झारखंड में इतने सुंदर रूप से जंगल है, वन है और खनिज संपदाओं से लबालब प्रदेश हमारा है, लेकिन आज तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिला, ये विडंबना। झारखंड के हित में काम नहीं किया, अपने परिवार के हित में किया, स्वयं के हित में कार्य किया और अपने आप को बढ़ाने का एक उन्होंने काम किया है, ये सच्चाई है नेताओं की। लेकिन अब झारखंड के लोग जगे हैं, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे बड़े मुखिया हैं और राज्य के नीति नियम कैसे बने ये छात्रों से पूछ रहा है। तो सर आपके पीछे इतने इतने अधिकारी हैं, वो अधिकारी क्या सिर्फ कोयला बेचने पर मशवरा देने का काम करते हैं? ऐसे तो पता चल रहा है कि कोयला को कैसे कोड़ना है, कोयला को कहाँ से बेचना है, बालू को कहाँ से खपाना है, बालू को कैसे बेचना है, इस पर आप काम करते हैं। लेकिन राज्य में जो ज्वलंत विषय है, राज्य में जो नीति नियम जो निर्धारित होनी चाहिए, इस पर आपके अफसर काम नहीं करते, आपके अधिकारी आपके पदाधिकारी इस पर काम नहीं करते हैं। यहाँ क्या भविष्य किस रूप में निर्धारित हो, ये आपके अधिकारी तय नहीं करते हैं। इस आंदोलन को हो रहा है, ये आंदोलन से झारखंड का भला होगा या फिर सिर्फ नेता बनने का, ये सिर्फ एक आप लोग आंदोलन को तेज कर रहे हैं, वैसे वैसे जो बहालियां हैं, जो वैकेंसियां आ रही है, लगातार वो बाहरियों पर ही कब्जा हो रहा है, तो आपके आंदोलन से क्या फर्क पड़ा? नमस्कार, जोहार, मैं हूँ शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे चेहरे को मैं आप लोगों के बीच में लाने वाला हूँ, पूरे प्रखरता के साथ इनके जो विचार होते हैं, दमदार भाषणों के से जाने जाते हैं, एक क्रांतिकारी हैं और इनका नाम रिजवान क्रांतिकारी के नाम से लोग जानते भी हैं। तो सबसे पहले दादा आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के श्रोताओं को और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं तमाम लोगों को जोहार करता हूँ और आशीर्वाद का एक उम्मीद के तहत इस बात को कहूँगा कि हम आपके बेटे हैं और राज्य के लिए चले हैं और राज्य की बेहतरी के लिए हम लोग चले हैं। एक वर्ष से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और तमाम आंदोलनकारी साथियों के साथ में मैं हूं और आगे भी रहूंगा। और इसी बीच हमने अपनी कम्युनिटी को जगाने का प्रयास किया है और अब धीरे धीरे तमाम लोगों के बीच में हम लोग अपने विचारों को लेकर जा रहे हैं और विचारों का आदान प्रदान होना ही राज्य के हित में ज़रूरी है, इसलिए कि अब तक जो लोगों के बीच में जानकारियाँ नहीं थी हमारे आंदोलनकारी साथियों ने और हमसे, जहाँ तक बन पाया हम लोग अभी भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्य की आखिर हमारी पहचान क्या है, सारे लोगों का अपना पहचान है, सारे राज्यों की अपनी पहचान है, तो राज्य का हमारा झारखंड का क्या पहचान है? झारखंड में इतने सुंदर रूप से जंगल है, वन है और खनिज संपदाओं से लबालब प्रदेश हमारा है, लेकिन आज तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिला, ये विडंबना है इस राज्य की। लेकिन अब काफ़ी वर्षों के बाद, एक पीढ़ी के बाद, मुझे लगता है कि राज्य के लोग जगे हैं, युवा पीढ़ी जगे हैं, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि राज्य में आने वाले समय में बदलाव दिखेगा और हम लोग बदलाव के लिए काम कर रहे हैं और लगातार, अभी आप देखें मैं डुमरी में हूँ, विशुनगढ़ क्षेत्र में कार्यक्रम था, उस जगह पे जाना हुआ था, तो लगातार हमारे लोग भी आ रहे हैं और हम लोग मजबूती के साथ में सारे समुदाय, आदिवासी मूलवासी जितने लोग, हम लोग सारे एक प्लेटफॉर्म पर आकर प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक बेहतर रूप में झारखंड को एक रिजल्ट देने का काम करें। इतना संसाधन होने के बाद भी खुशहाल नहीं है, इसके पीछे का वजह क्या है? देखिए, गलत लोगों के हाथों में राज्य को सौंपा गया है, क्योंकि हमारे लोग बहुत सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, हमारी झारखंड की जो जनता है वो अतिथि देवो भव। मैंने पहले भी अपने अभिवादन में कहा था कि हमारे जो लोग हैं, हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, तो हम लोगों का नियम रहा है शुरू से कि हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन झारखंड के लोग कुछ ज़्यादा ही सम्मान करने लगे थे। गलत लोगों के हाथों में हम लोगों ने सत्ता दिया, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कहें, महागठबंधन की सरकार की बात करें, या कुछ ऐसे नेता थे जिनको हम लोगों ने चुनकर शीर्ष पर बैठाने का काम किया उम्मीदों के साथ में कि हमारे उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे, लेकिन आप देखोगे तो पता चलेगा कि वो झारखंड के हित में काम नहीं किया, अपने परिवार के हित में किया, स्वयं के हित में कार्य किया और अपने आप को बढ़ाने का एक उन्होंने काम किया है, ये सच्चाई है नेताओं की। लेकिन अब झारखंड के लोग जगे हैं, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम लोग बदलाव करेंगे। पिछले 1.5 साल से लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 1.5 सालों में आप क्या बेहतर रिजल्ट पा रहे हैं 1.5 साल के भीतर? बिल्कुल बेहतर रिजल्ट पा रहे हैं। अभी तक आप देखें, जिस गांव में बाहर के गानों को बजाया जाता था, जिस गांव में हिलेला और आरा हिलेला वगैरह वगैरह जो अश्लील गाने बजते थे हमारे गाँव में, इन पर रोक लगा है और लोग जागरूक हुए हैं। हमारे लोगों के अंदर जो भाव पैदा किया गया था,
यूज कह सकते हैं कि सिनेमा के माध्यम से हो, आज मोबाइल के माध्यम से हो, अश्लीलता फैलाने का जो कार्य कर रहे थे बाहर के पड़ोसी राज्यों के गाने के माध्यम से हो, वीडियोस के माध्यम से, वो हट रहा है और अब हम लोग संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या है इस पर हमारे लोग फोकस करने लगे कि हमारा पहचान क्या, हमारी संस्कृति जल जंगल जमीन से हम लोग रिलेटेड हैं, प्राकृतिक पूजक समाज है, हम कहाँ हैं। तो लोग जगे हैं और लोग अपने प्राकृतिक समाज पूजक, प्राकृतिक पूजक समाज को आगे लाए हैं और अपने संस्कृति की जो हमारा जो धरोहर है उसको हम लोग आगे लाकर अपना परिचय देने का काम कर रहे हैं। देखिए अब राजनीतिक का शिकार खुद हेमंत जी हो गए हैं, हेमंत सरकार को तो आप बताइए, आप वो राज्य के मुखिया हैं और राज्य के नीति नियम कैसे बने ये छात्रों से पूछ रहा है। तो सर आपके पीछे इतने इतने अधिकारी हैं, वो अधिकारी क्या सिर्फ कोयला बेचने पर मशवरा देने का काम करते हैं क्या? इससे तो पता चल रहा है कि कोयला को कैसे कोड़ना है, कोयला को कहाँ से बेचना है, बालू को कहाँ से खपाना है, बालू को कैसे बेचना है, इस पर आप काम करते हैं। लेकिन राज्य में जो ज्वलंत विषय है, राज्य में जो नीति नियम जो निर्धारित होनी चाहिए, इस पर आपके अफसर काम नहीं करते, आपके अधिकारी, आपके पदाधिकारी इस पर काम नहीं करते हैं। यहाँ क्या भविष्य किस रूप में निर्धारित हो ये आपके अधिकारी तय नहीं करते हैं, इससे साफ पता चलता है। जब मुख्यमंत्री एक छात्र से सलाह ले सकता है करना क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये विडंबना इस राज्य की है कि जिस राज्य के मुखिया को ये नहीं मालूम है कि राज्य का भविष्य कैसे तय किया जा सकता है, राज्य के भविष्य में किन किन विषयों पर कैसे कैसे नीति नियम लागू कर सकते हैं, ये एक मामूली से छात्र से आप आंदोलन करने वाले छात्रों से पूछ रहे। तो सरकार विफल है, सरकार ना तो नियम बना रही है, ना तो नीति बना रही है, ना सिस्टम बना रही है, सरकार विफल है। सरकार सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने में लगी है और कोई नीति नियम झारखंड के हित में लागू करने का वो काम नहीं कर रही है। जैसे जैसे आप लोग आंदोलन को तेज कर रहे हैं, वैसे वैसे जो बहालियां हैं, जो वैकेंसियां आ रही है, लगातार वो बाहरियों पर ही कब्जा हो रहा है, तो आपके आंदोलन से क्या फर्क पड़ रहा है झारखंड? देखिए सरकार कहीं ना कहीं कान में तेल डालकर सोई है, लेकिन हमने बार बार कहा है कि सरकार अगर नहीं मानती है, सरकार अगर नहीं सुनती है, तो अब तक हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से संवैधानिक रूप से आंदोलन हम लोगों ने किया है, चाहे सड़क की बात हो, सदन घेरने की बात हो या और किसी रूप में हो, हम लोग बिल्कुल शांति का परिचय हम लोगों ने दिया है, छात्रों ने दिया है, लेकिन बावजूद हम लोगों के ऊपर, हमारे छात्रों के ऊपर लाठी बरसाने का काम सरकार करती है, ये विडंबना है। और सरकार हमारे आंदोलन करने वाले युवाओं के ऊपर, युवतियों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, माओं के ऊपर FIR फर्जी FIR लगाने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि सरकार डरी है। अब अगर सरकार झारखंड हित में नीति नियम नहीं लाती है दादा, तो हमने पहले भी कहा है कि हम लोग अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग बड़े आंदोलन के लिए आगे आएंगे और उग्र आंदोलन भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। 2024 की तैयारी को लेकर के आप किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए हमने पहले भी कहा है और आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को कहूँगा कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों की संख्या, और लोग अपना जनमत एक जगह पर संग्रहित करते हैं और एक प्रतिनिधि को चुनने का काम करता है जो उनकी आवाज़ बनती है, और उन वो आवाज़ सदन में जाकर उनके हक और हुकूक़ की बात करता है और उनके अधिकार की बात करता है। लेकिन अगर, चूंकि हमने 22-23 वर्षों में हमने कई एक जनप्रतिनिधि को हमारे क्षेत्र में और झारखंड के जनमानस ने चुनने का काम किया है, लेकिन उनको विपरीत कार्य मिला, उनको वो सम्मान नहीं मिला जिन उद्देश्यों के साथ में वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का काम कर रही है, और अभी भी सरकार कान पर तेल डालकर सोई है, राज्य के हित में, युवाओं के हित में, हमारी महिलाओं के हित में किसी प्रकार का उनका काम नहीं है। अब अगर सरकार स्पष्ट नहीं करता, अपना नियत स्पष्ट नहीं करता है, तो हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि 24 में हम लोग आएंगे, युवा आएंगे और दमदार तरीके से आएंगे और प्रतिनिधित्व अपने कंधों पर लेंगे, अपने जिम्मेदारियों पर क्षेत्र के और झारखंड की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए हम लोग आएंगे। दादा ये चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, आंदोलन तो हो रहा है, ये आंदोलन से झारखंड का भला होगा या फिर सिर्फ नेता बनने का ये सिर्फ एक चल रहा है? देखिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पहले हम लोग आंदोलन कारी हैं, पहले हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारे आंदोलन को तवज्जो नहीं देंगे सरकार और यदि हमारी बातों को सड़क पर नहीं सुना जाता है तो सदन जाना जरूरी है। इसमें नेता की कोई बात नहीं, हम बेटा हैं और हमेशा बेटा बनकर रहेंगे, लेकिन सरकार यदि नहीं सुनती है तो सदन पर जाना होगा। हमारे ऊपर फर्जी FIR किया जाता है, क्यों किया जाता है? साजिश के तहत किया जाता है। बाहरी तत्व यहां पर इतना हावी है, चाहे मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या जो भी हो, यहाँ इतना अफसरशाही है, अफसर इतना हावी है कि आम लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। एक वर्ष में कोई नीति नियम नहीं बना है, सोच सकते हैं जिस डंके को बजाने का हेमंत सोरेन ने और उनके मंत्रिमंडल ने, महागठबंधन की सरकार ने जिस डंके को बजाया कि 1932 हमने लाया, 1932 दिया क्या? नहीं दिया।
जोहार यात्रा किस रूप में जोहार यात्रा कर रहे हैं आप? राज्य को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं साहब। लेकिन आप उपलब्धियों को बताएं कि चुनावी समय में आपने जिस उपलब्धियों को बताने का काम किया था, जिन उपलब्धियों को, जिन वादों को, जिन क्षमा चाहता हूं, जिन वादों को आपने चुनावी समय में देने का काम किया था, वो वादों पर काम किया क्या आपने? नहीं किया। आपने कहा था कि हम गरीबों के लिए आवास बनाएंगे, 3.5 लाख का आवास देंगे, आपने कितना पहल किया? आपने कहा था कि बेरोजगार जो छात्र हैं उनको 5,000 देने का काम करेंगे, महीने का 5,000 देने का काम करेंगे बेरोजगार छात्रों के लिए। कहां आपने किया? 5 लाख नौकरी की आपने बात किया, क्या किया?